कैसा भी मटेरियल हो, चाहे ठोस हो, गैस हो, लिक्विड, उसका किसी भी जो स्पेस उसको प्रेजेंट है, स्थान, उपलब्ध स्थान है, उसमें अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से फैलने की जो क्षमता होती है या उसकी जो नेचर होती है, उसको हम विसरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के रूप में अगर इसको कन्वर्ट करें तो गैस, द्रव या ठोस पदार्थों के स्थान में अपनी गतिज ऊर्जा से विसरित होने की प्रवृत्ति को हम विसरण कहते हैं। इस प्रकार विसरण वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता यानी कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी निम्न कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन वाले स्पेस की ओर प्रवाहित होते हैं यानी ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे हम डिफ्यूज़न या विसरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है पानी के बीकर में कॉपर सल्फेट को डालना। कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है और पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। हाई टू लो कॉपर सल्फेट धीरे धीरे पूरी पानी की बाल्टी में कॉपर सल्फेट के अणु कुछ ही देर में फैल जाते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे परफ्यूम की जो बॉटल होती है उससे अगर किसी उसके ढक्कन को खोला जाए किसी रूम में, तो वहाँ पर थोड़ी देर में अंदर पूरे रूम के अंदर परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। ऐसा उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़ होने के कारण से होता है। यहाँ पर अगर हम डिफ्यूजन्स के और भी एग्जांपल्स देखें तो या यहाँ पर जो शर्करा या अगर नमक जो जिसको हम विलेय या सॉल्यूट कहते हैं, को जल यानी विलायक जिसे सॉल्वेंट कहते हैं में डालने पर ये पूरी तरह से डिजॉल्व यानी घुल जाते हैं, जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से अपनी खुद की एनर्जी से मूव करते हैं। और ये मूवमेंट जब तक चलता रहता है जब तक कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेज हमें प्राप्त नहीं होती, यानी कि साम्यावस्था हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं तो यहाँ पर हम इसके पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप्स के डिफ्यूजन्स होते हैं, विसरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो गैस का, गैस में इसका उदाहरण है अमोनिया का वायु में डिफ्यूज़न। दूसरा उदाहरण है गैस का अगर द्रव्य में है तो इससे फोम का फॉर्मेशन होता है, झाग का फॉर्मेशन होता है। तीसरा उदाहरण देखें तो द्रव का अगर गैस में देखें तो बादल जो है लिक्विड है वो वेपर्स बनती है, तो फिर उससे बादल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह द्रव का द्रव में, अगर अल्कोहल को हम पानी में डालें तो द्रव का द्रव में डिफ्यूजन हो जाएगा। ठोस का गैस में इसका उदाहरण है स्मोक यानी धुआं। ठोस का द्रव्य में इसका उदाहरण है पोटेशियम मैग्नोक्साइड, मैनोक्साइड KMnO4 का जल में घुलना। टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न के बाद हम डिफ्यूज़न में अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो डिफ्यूज़न का जो प्रेशर है, डिफ्यूज़न प्रेशर किसको कहते हैं, क्या है डिफ्यूज़न प्रेशर, यानी कि पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डिफ्यूज़ होने की जो नेचर ऑफ डिफ्यूज़न है के कारण जो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, प्रेशर बनता है, उसे हम विसरण दाब या डिफ्यूज़न प्रेशर कहते हैं। इसको और एक अदर डेफिनेशन के द्वारा भी देखा जा सकता है कि पदार्थ के अणुओं या आयन्स का हाई डिफ्यूज़न प्रेशर से कम डिफ्यूज़न प्रेशर के एरिया की ओर ट्रांसपोर्ट होना विसरण डिफ्यूज़न प्रेशर कहलाता है। जो क्यों हो रहा है, इसका कारण होता है मॉलिक्यूल्स में पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी, इसका कारण होता है। अब डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं, तो फैक्टर्स इन्फ्यूजिंग डिफ्यूज़न विसरण को प्रभावित करने वाले कारण कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला डिफ्यूज़न को जो इफेक्ट करता है वो है डेंसिटी यानी घनत्व है। ये विसरण की दर को हम कैसे देख सकते हैं, चूँकि वे पदार्थ के अपेक्षित घनत्व के वर्ग के प्रतिलुमानुपाती होता है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर देखें तो यहाँ पर दो तरह की गैसें हैं, इनके डिफ्यूज़न की रेट R1 और R2 है। इसी तरह जो इन्हीं गैसों का अगर डेंसिटी देखें, इनका घनत्व देखें, और दो गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर इनकी ये अपोजिट प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो D2/D1 और इसके इसके ऊपर वर्ग का चिन्ह इसके अंदर डिनोट करते हैं, तो इसका रिजल्ट आता है 16/1=4। अतः हाइड्रोजन के डिफ्यूज़न की रेट ऑक्सीजन से कितनी 4 गुना अधिक होती है। सेकंड इसका जो फैक्टर जो है इसको इफ़ेक्ट करता है डिफ्यूज़न को, वह है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी वृद्धि होती है, जिस कारण डिफ्यूज़न जो रेट होती है वह बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है इसका कि डिफ्यूज़न को इसकी माध्यम की पारगम्यता या परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम वो प्रभावित करती है। अगर मीडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है तो ये डिफ्यूजन्स की जो रेट होगी वह उसको कम कर देती है। फोर्थ पॉइंट जो डिफ्यूज़न को इफ़ेक्ट करता है वो है डिफ्यूज़न का डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट, विस्तरण दाब प्रवणता। विस्तरण दाब प्रवणता से यहाँ पर तात्पर्य दो विभिन्न स्थानों में विस्तरण द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को हम विस्तरण दाब प्रवणता, जिसको शॉर्ट में DPG कहते हैं, जो दोनों तंत्रों यानी सिस्टम के बीच की दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके सूत्र को अगर हम यहाँ देखें तो यह होता है DPG = DP1 - DP2। यहाँ पर DP1 और DP2 यानी दोनों सिरों पर डिफ्यूजन्स का प्रेशर दोनों पोल्स में या दोनों जो कंसंट्रेशंस एरिया होते हैं वहाँ पर, और डी से यहाँ पर @ डिफ्यूज़न विस्तरण द्वारा तय की गई दूरी से यहाँ पर इसका आकलन किया जाता है। गैस से द्रव में विस्तरण की दर कम होती है, द्रव से जब ठोस में डिफ्यूज़न होता है तो उससे भी कम होती है। इस प्रकार गैस में सबसे अधिक होता है डिफ्यूज़न, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे भी कम, क्योंकि पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जो गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो अपेक्षाकृत हम जानते हैं कि वो बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े पास होते हैं, और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं, आपस में चिपके होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन्स रेट तो सॉलिड में बहुत कम देखने को हमें मिलती है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन्स का महत्व हम देखें तो ये कहाँ काम आता है। सबसे पहला पॉइंट अगर देखे जाए तो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में, गैसों के एक्सचेंज में ये डिफ्यूजन्स गैसी एक्सचेंज में डिफ्यूज़न भाग लेता है, डिफ्यूज़न के द्वारा ही ये क्रिया कंप्लीट होती है। दूसरा है मिनरल्स के अवशोषण, जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। तीसरा है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्यमान में आयन का जो एक्सचेंज होता है वो भी डिफ्यूजन्स के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो वो है वो डिफ्यूज़न में आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर विदाउट किसी भी बैरियर के मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो जाता है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में डिफ्यूजन्स आकर होता है।